तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय शिक्षक के बहाली के बारे में। जो यहाँ पर नवोदय का शिक्षक यहाँ पर बहाली आई है, जिसमें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी शिक्षक बहाली आई है और कितने से कितने क्लास तक लिए शिक्षक के लिए बहाली आई है, इसका बहाली के लिए पद कितना है टोटल और क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, पेमेंट क्या लगने वाला है और इसका आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है और इसमें क्या क्या जानकारी है, सभी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस फॉर्म को अगर भरने के लिए आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पेपर कटिंग दिखाता हूँ और पेपर कटिंग के माध्यम से मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा गया था कल ही के पेपर कटिंग, यहाँ पर लिखा था देश के नवोदय विद्यालय में नियुक्ति के लिए नवोदय विद्यालय समिति NVS के शिक्षक की कमी के दूर करने के लिए नियुक्ति निकाली है। NVS की ओर से नियुक्ति संबंधित जानकारी वेबसाइट पर अपलोड है। इसके तहत 1 से 8वीं कक्षा और 10 से 12वीं कक्षा के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 से 12वीं कक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS के TGT और PGT प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों के पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। नवोदय विद्यालय में समिति लिए 1616 पद यानी कि टोटल पद यहाँ पर 1616 दिखाया गया है और यहाँ पर 8वीं से लेकर 10वीं तक और 10वीं से लेकर 12वीं तक के यहाँ पर शिक्षकों की बहाली आई है, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा है भर्ती के लिए अपनी आधारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें 683 वैकेंसी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए TGT यानी के लिए और 397 स्नातकोत्तर टीचर के लिए जिसको PGT के लिए और 12 प्रिंसिपल के लिए है। इसके अलावा 181 वैकेंसी मिसलेनियस है, जैसे कि मिसलेनियस टीचर यानी जैसे कि म्यूजिशियन म्यूजिक आर्ट PET पुरुष और PET महिला और लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें यहाँ पर लिखा गया कि आवेदन शनिवार से ही शुरू कर दिया गया है यानी कि शनिवार को ही शुरू कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर अंतिम तिथि 22 जुलाई तक है। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। भर्ती के लिए NVS देश भर में एक कंप्यूटर आधारित यानी CBT आयोजित किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर दिखा दिया इसके बारे में, तो अब मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ और। यहाँ पर मेरे पास डिटेल है, यहाँ पर मैं कुछ दिखाता हूँ और किसमें पेमेंट कितने लगेंगे भरने के लिए और कब से इसका स्टार्ट है। यहाँ पर देखेंगे नवोदय डेट का यहाँ पर दिया गया है 2 जुलाई 2022 से स्टार्ट है, जो कि अंतिम तिथि यहाँ पर 22 जुलाई 2022 है। इसमें पेमेंट फी करने का यहाँ पर 22 जुलाई तक ही अंतिम तिथि दिया गया है, जिसमें आपको पेमेंट यहाँ पर लगेगा यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए 2000, PGT के लिए 1800 और TGT के लिए यहाँ पर 1500 और SC ST के लिए यहाँ पर 00 कैंडिडेट, यानी कि तीनों फॉर्म अगर SC ST वाले लोग भरेंगे तो इनको 00 पैसा लगेगा। इसमें साथ में अब नीचे देखेंगे यहाँ पर टोटल पोस्ट के नीचे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए टोटल पोस्ट 12 को है, जिसमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिखाया गया है कि इस कैटेगरी की बैचलर डिग्री होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। इसमें यहाँ पर PGT के लिए यहाँ पर देखेंगे 397 यानी सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट देख लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके और यहाँ से पूरा रीड कर सकते हैं इसमें क्या क्या यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है, कौन कौन सा डिटेल और कौन कौन सा क्वालिफिकेशन लगने वाले हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर पोस्ट का यहाँ पर डिटेल दिया गया है, जनरल के लिए EWS OBC ST के लिए यहाँ पर सभी का डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी का कौन कौन सी पोस्ट में कितना यानी कि कौन सी कैटेगरी के अनुसार कितने पोस्ट अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप पूरा देख पाएंगे और वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं या तो इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप अप्लाई करने का प्रोसेस है NVS वाली वेबसाइट पर जाना है, इस वाली वेबसाइट पर, और पूरी तरह से नोटिफिकेशन पहले रीड करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर फॉर्म भरने के लिए इसको आपको अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए आपको फॉर्म भरने का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे घर बैठे आप इसमें फॉर्म को इसको भर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।